पार्टी जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आप भी ले लीजिए, लगा रहेगा वो नहीं लिखी है अलग काम बराबर वीडियो है, मीडिया है, सब चीज दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर हमारे लोग मोदी को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पे डग्गर चलाया, पत्थर चलाया, उसके वजह से हमारे लोगों को 9 लोगों को बंद कर दिया गया था प्रशासन ने उठाकर। उसके लिए पुनः मांग कर रहे थे कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए और नहीं छोड़ा गया। तत्काल उसके बाद बीजेपी के लोग वहाँ पथराव किए, उस पथराव में जो है एक कांस्टेबल की मौत हो गई, जिसको मीडिया बता रही है कि मीडिया के माध्यम से उसकी मौत निषादों के द्वारा नहीं की गई है, जिसमें कि मीडिया का इसका साक्ष्य गवाह है, वो दिखाया जा रहा हो तो कानून पेश किया जाएगा। मैं चाहता हूँ यह योगी सरकार तक जाए, राज्यपाल तक जाए और हाँ यह निषादों पर सबसे पहले कार्रवाई बंद हो जाए, उसकी जांच किया जाए और जांच होने के बाद फिर अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दिया जाए और जिसके आदमी के डग्गर से लगा है सिर्फ एक को सजा दिया जाए, न कि पूरे गाँव वालों को, जिसमें हमारी माताओं बहनों को भी पीड़ित किया जा रहा है, सारे लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। इस पर हम चाहते हैं आपके माध्यम से यह योगी आदित्यनाथ जाना चाहिए। फोटो खिंचवा लीजिए। आपने मेंशन नहीं किया कहाँ भेज रहे हैं जी सर, ये मुख्यमंत्री के पास ये लिखिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ लिखेंगे ना, माननीय मुख्यमंत्री और द्वारा उचित माध्यम लिखते हैं जिलाधिकारी के माध्यम द्वारा जिलाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों का जो ज्ञापन है जो कार्यकर्ता वहाँ मुख्यमंत्री जी को जो है रिसीविंग ज्ञापन देने आए निषाद पार्टी को ताकत देख करके। बीजेपी की सारी पार्टियां घबरा चुकी हैं, बीजेपी के सारे लोग घबरा चुके हैं, बीजेपी घबरा चुकी है और वह गलती में आपको फंसाने का काम कर रही है और खुद फंस रही है। सारे जगह बीजेपी फंस रही है, किस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है वह अपने ही जाल में फंस रही है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से पता भी चल रहा है। टीवी मीडिया कह रही है कि जो गाजीपुर में कांड हुआ वहां पर निषाद पार्टी के लोग वहां पर मोदी जी को 29 तारीख को ज्ञापन देने गए थे, वहां पर मोदी जी की रैली थी और ज्ञापन में हमारे लोग जा रहे थे और वहां 9 लोगों को पकड़ करके बंद कर दिया गया और 9 लोगों को छुड़वाने के लिए हमारे लोगों ने वहां पर धरना दिया कि हमारे 9 लोगों को छोड़ा जाए। हम लोग कोई अन्याय यहां करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं मोदी जी को, हमारा ज्ञापन ले लें। जो संविधान में हमारा आरक्षण मझवार के नाम से अंकित है 53 नंबर पर और वह आरक्षण हमको मझवार की उपजात केवट मल्लाह माझी मुजावी गौड़ है, वह आरक्षण के लिए मोदी जी को ज्ञापन देने गए थे, जो कि मोदी जी ने कहा था कि ये गंगा पुत्र हैं और गंगा पुत्र को मैं सम्मान देने के लिए सत्ता में आऊंगा, जैसे ही सत्ता में आऊंगा तो गंगा पुत्र को सम्मान दूंगा।
मैं कहता हूं अगर मोदी जी ने गंगा पुत्रों को सम्मान कहा था तो नदी नाल खाट बालू खनन सारा पट्टा निषादों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो मोदी जी अपने वादे से मुकर रहे हैं। वही बात योगी जी ने भी कहा था 7 जून कसरवल रेलवे क्रॉसिंग मगहर स्टेशन पर जब आंदोलन हुआ था उस समय योगी जी ने कहा था कि निषादों का आरक्षण अखिलेश सरकार को दे देना चाहिए। मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो अखिलेश सरकार का आरक्षण दे दूंगा, लेकिन सत्ता में आते ही मोदी जी मुकर गए और निषादों का आरक्षण न देने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, जिसको मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे दस्तावेज कह रहे हैं कि निषाद निर्दोष हैं और वो वहाँ पर अपनी मांग को लेकर के गए थे, न कि पुलिस की हत्या करने के लिए गए हैं। अगर पुलिस की हत्या हुई है तो निषाद पार्टी को उसका दुख है, निषाद पार्टी के लोगों ने उसका हत्या नहीं कराया है। मैं योगी जी से, मोदी जी से चाहूंगा इसका उच्च स्तरीय जांच हो। उस जांच में अगर निषाद का बेटा अगर वह पाया जाता है दोषी तो निषाद के बेटे को जो है सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो बीजेपी के लोग अगर दोषी पाए जाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस पर निषाद पार्टी अपना काम कर रही है और आपकी पार्टी इस समय आगे प्रगति पर चल रही है। जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने के लिए दुनिया के लोग परेशान होते हैं, आपकी पार्टी आगे जा रही है। इसलिए आप सभी लोगों को मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना होगा। आपको तत्काल जाकर के अपने गांव में अपने नात रिश्तेदार सबको बताना होगा, उठो निषादो जागो। अगर देश को भगाने के लिए तुम लोगों ने हजारों हजार नदियों में, हजारों हजार नावों में, हजारों हजार कई हजार अंग्रेजों को डुबा करके मार करके देश को आजाद करा दिया, तो इस बीजेपी के हाथों से देश को आजाद कराना पड़ेगा और निषादों का मान सम्मान स्वाभिमान आप सबको दिलाना पड़ेगा। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। साथियों इस मुहिम पर सभी लोगों को जाकर के गांव में कैडर करना होगा और कैडर करके निषादों को जागरूक करना होगा। उठो जागो, अपना अधिकार पालो। अगर नहीं जागोगे जो सो गया समझो खो गया, अगर आप जागते हो आपका अधिकार मिलेगा। आप अपने बच्चों को देखो, अरे कुत्ते को देखो, उस कुतिया को, उसको जो छेड़ देता है वह कुतिया उसके शरीर से मांस निकाल लेती है। अरे ये बेईमान बीजेपी की पार्टी आपके बच्चों का अधिकार खा रही नहीं खा रही है। अब आपको इसको सत्ता से भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा, इसलिए आज यही कसम खाओ और घर पर जाकर के नहीं बैठना है। 2019 में इसका बदला आपको लेना है और जल्द से जल्द योगी सरकार को गिरा करके